नेक्स्ट9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल्लाह रहमान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं दर्शकों, सत्येंद्र जैन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस वक्त जेल में बंद है, उनको लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, क्योंकि सत्येंद्र जैन मामले पर फैसले को लेकर कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, दरअसल इस पूरे मामले पर जो है ईडी के वकील ने जो दावे किए थे और ये कहा था कि दरअसल इस पूरे केस को लेकर के जो भी दस्तावेजात चाहिए वो सत्येंद्र जैन के वकील को बता दी गई है। और अब इस मामले में ये कहा जा रहा है कि 19 अक्टूबर को जो है फैसला सुनाया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिस ढंग से मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार सत्येंद्र जैन, ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो इस वक्त ईडी और सीबीआई के रेडार पर है। जाहिर सी बात है, सत्येंद्र जैन को अगर राहत मिलती है तो इससे आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिलती नजर आएगी। और इसको लेकर के फिर आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पूरे तरीके से मामला जो है आप कह सकते हैं कि जो है राजनीति का भी केंद्र बनता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल दर्शकों आपको बता दूं कि सत्येंद्र जैन वाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर जमानत को लेकर के फैसला जल्द आ सकता है। और इस फैसले के आने के बाद आम आदमी पार्टी की स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। तो फिलहाल इस समय की बड़ी खबर सत्येंद्र जैन मामले में हाई जो है राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई की गई है, उस सुनवाई के बाद अब 19 अक्टूबर का सभी को इंतज़ार है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन को जमानत भी मिल सकती है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, फिलहाल इस खास रिपोर्ट बस इतना ही। जुड़े रही बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट9 न्यूज़ के साथ।